तो कुछ दिनों पहले, अरे यार हर इंट्रो यही लाइन से शुरू होता है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो करना। तो कुछ टाइम पहले मैंने थोड़ी सी शॉर्ट्स वगैरह ट्राई करी थी और गाइस वो शॉर्ट्स थी बहुत ही ज्यादा ओपी, उसमें से लेजर निकलती थी, उसमें से बहुत ही स्पूकी स्पूकी पावर्स थी। तो गाइस वैसे इंट्रो तो चेंज नहीं हुआ लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन गाइस दिस इज माइनक्राफ्ट, वी आर गोइंग टू क्राफ्ट मोर स्पूकी आइटम्स। तो गाइस ये शॉर्ट स्पूकी नहीं है लेकिन गाइस जो इनमें से पावर है ना भाई, बिल्कुल सिनेमैटिक भाई, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड जितने भी वुड है भाई सबको कंबाइन करके इतनी खतरनाक इफेक्ट्स निकलते हैं इनमें से। ऑब्वियसली आप देखने के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड हो और मैं अभी दिखाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड। तो गाइस वीडियो को आगे पहले सब्सक्राइब कर जरूर माना बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और गिव अवे एंट्री मारने के लिए करो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट #3 मिलियन। आईफोन 13 का गिव अवे हो रहा है और इसका विनर होगा कल अनाउंस। तो जी हां मैं अरविंद हूं, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम अजय और गाइस जैसे कि आप मेरी इन्वेंटरी के अंदर एक बुक तो देख रही हो, आई कैन लिटरली गो एंड गेट एनी ऑफ द स्टाफ आई वांट। तो यहां पे फ्रॉस्टबाइट है, तो गाइस यहां पे फ्रॉस्टबाइट से शुरू कर रहे थे लेकिन आई विल गेट ऑल ऑफ द आइटम्स नाउ। इनको वन बाय वन यूज करके देखते हैं कि गाइस इनमें से कौन सी खतरनाक है और कौन सी सबसे पावरफुल है। तो गाइस यहां पे मेरे पास लिटरली 5 आ चुकी हैं। वाह क्या सीन है। अरे यार मैन जी श्योरली यू डिडंट थिंक इट वुड बी दैट इजी। अरे मामा मेरे को एक सोर्ड तो मिली नहीं लेकिन गाइस चलो आखिरी सोर्ड को फॉरगेट कर लेते हैं क्योंकि गाइस ये सोर्ड जी बहुत ही ओपी होने वाली है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे गाइस पहली सोर्ड है ये फ्रॉस्टबाइट स्टाफ। तो गाइस फ्रॉस्टबाइट मतलब कि यहाँ पे आइसिंग वगैरह होनी है, तो ये बहुत ही ठंडी सोर्ड है भाई, इसमें से लावा नहीं निकलने, इसमें से निकलनी है आइस की कोई ना कोई पावर। तो गाइस इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है इंपेल योर फूज ऑन आइस स्पाइक्स एंड वीकन देम विद फ्रॉस्टबाइट। ओके तो गाइस मेरे को लग रहा है कि आइस स्पाइक इसमें से निकलेंगे। अरे ये शीप जमने के लिए तैयार है क्या? ओके तो गाइस 3 2 1 लेट्स स्टार्ट दिस। ओह माय गॉड यो, अरे भाई मैं कितने सारे स्पाइक्स यहां पे स्पॉन कर सकता हूं यो। अरे गाइस ये स्पॉट की पावर तो भाई, अरे जमीन में से स्पाइक्स निकाल के सीधा भाई बंदे को उड़ा रही है। अरे बिल्ली कहां पे भागेगी? बिल्ली गाइस वैसे बहुत ही ज्यादा तेज भागती है। अरे मामा बिल्ली, अरे बिल्ली रुक जा। अरे भाई बिल्ली फंस चुकी है और गाइस जैसे जैसे भाई मैं स्पाइक यूज करता हूं वैसे वैसे पता है ये बंदे ना स्टक हो जाते हैं इसके अंदर एंड आई कैन लिटरली स्पॉन एज मेनी स्पाइक्स एज आई नीड। और गाइस इनको बिल्कुल तबाह कर सकता हूं यार मैं एक ही चुटकी में, वैसे एक चुटकी में नहीं मतलब कि 3-4 बारी मेरे को ट्राई करना पड़ेगा लेकिन भाई इनको तो मैं जमा जमा के मारूंगा। तो एनीवेज गाइस अभी आती है फायर स्टाफ। तो गाइस ये फायर स्टाफ का डिस्क्रिप्शन कहता है सिंपल फायर मैजिक अ क्रूड स्पेल बट एवरी एस्पायरिंग आर्कमेज हैज टू स्टार्ट समवेयर। ओके तो गाइस मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर एक गोला चमक रहा है और ये चमकता गोला मेरे को लग रहा है कि एक बुलेट है। लेट मी ट्राई। अरे यार ये काव बहुत ही इधर उधर छलांगे मार रही है और गाइस यहां पे सामने मेरे ब्लास्ट फर्नेस पड़ा हुआ है और मुझे लग रहा है कि भाई ये बहुत ही खतरनाक लेवल वाला स्मेल्टर है। और अगर ये स्मेल्टर तो भाई इसके पास फायर एक्सटिंग्विशर तो होगा ही, तो अगर मैं इसको जला दूं ऐसे यो, अरे भाई साहब, अरे लिटरली गाइस मैं किसी को भी इसके साथ जला सकता हूं यार। अरे गया भाई, 2-3 बॉल इनके ऊपर लगेंगी और ये भाई खत्म मर जाएंगे भाई, जल जल के राख कर दिए यार मैंने इनको तो। अरे मामा यहाँ पे इसका घर भी जला दिया। भाई एक काम कर, थोड़ा सा पानी वगैरह फेर दियो अपने घर के ऊपर, थोड़ा सा बचा लियो। अबे साले एनीवेज अभी गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो इसका टेक्सचर जो है ना बहुत ही वियर्ड टाइप है। तो गाइस इसके ऊपर स्टोन है, रेड स्टोन है एंड ऑल्सो डर्ट एज यू कैन सी। लेकिन इधर लिखा हुआ है हार्वेस्ट आर बाउंटीफुल व्हेन अर्थ मैजिक चर्न्स द सोइल, दिस सिंपल स्पेल इज बेडरॉक ऑफ एवरी प्रॉस्परस मेज सोसाइटी। ओके तो गाइस ये मेरे को नहीं पता भाई क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, लेकिन आई एम नॉट श्योर भाई इसका सिस्टम क्या है। यो वेट अ मिनट भाई, अरे इसका मेरे को करने का है किसी को मारना है मेरे को, क्या करना है भाई इसके साथ, मैं क्या कर सकता हूं भाई, इसको कैसे यूज करने का है। एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसे, अबे यार ये तो मार ही नहीं रहा। अरे भाई इसको मार रहा हूं, इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा। अगर मैं इसको क्यू दबाऊं, ओके तो गाइस ये मैं फेंक देता हूं, अगर मैं एफ दबाऊं तो गाइस मेरे दूसरे हाथ के अंदर आ जाती है। लेकिन वेट अ मिनट, यहां पे कोई ग्रास के ऊपर ये टर्न काम करती है, क्या करती है? और या तो भाई ये सिंपली बस मैजिकल है, बस मुझे लग रहा है कि गाइस ये सिंपली मैजिकल सॉर्ड है और थोड़ा सा अटैक डैमेज है, इसके अंदर भाई कोई पावर वगैरह इतनी मेजर वाली नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक आई शुड बी एबल टू स्किप दिस वन। लेकिन भाई अगर कुछ होता तो गाइस मैं डर्ट ब्लॉक के ऊपर ट्राई कर पाता, लेकिन भाई ये क्या हो रहा है? ओके तो आई कैन ग्रो और व्हाट? या तो भाई मेरे को कोई ना कोई रीजनरेशन पावर मिल रही है या कुछ ना कुछ मिल रहा है क्योंकि गाइस नीचे थोड़े से पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो यहां पे क्या ग्रो होगा क्या होगा भाई, फार्म लैंड कहां पर है यार, उसके ऊपर ट्राई करता हूं। ओके तो गाइस देयर इज लिटरली नो फार्म लैंड हियर। तो अभी ये काम करता है, यहां पे विंड रनर स्टाफ की ओर बढ़ता है। तो गाइस ये विंड रनर स्टाफ जो है ना भाई ये पंखे की तरह है। तो गाइस ये पंखा है, लिटरली पंखा है। तो गाइस ये पंखा पता खुल जाता है और अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो गाइस ये मेरे को देगा इफेक्ट। और गाइस अगर मैं राइट क्लिक करके फिर से राइट क्लिक करूंगा तो ये पंखा हो जाएगा बंद एंड ये लगेगा बिल्कुल सीधा आर्मर स्टैंड जैसे। लेकिन अगर मैंने फिर से इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया तो गाइस लिटरली मेरे पास कितने खतरनाक इफेक्ट आते हैं।
यार ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, जंप बूस्ट स्पीड वगैरह सब कुछ आ जाता है एंड आई कैन लिटरली फ्लोट डाउन यार, मतलब कि जितनी हाई जंप हो सकती है भाई मैं मार सकता हूँ और भाई मैं तेज भी भाग सकता हूँ। अरे मैं तो भाई दो चुटकियों में मिल्खा सिंह बन गया यार, बस एक पंखे की जरूरत थी भाई माइनक्राफ्ट के अंदर। लेकिन गाइस का टेक्सचर जो है ना बहुत ही खतरनाक है, आई रियली लाइक दिस भाई। ये खुल जाती है, ये बंद हो जाती है, मतलब कि भाई एनिमेशन देखो यार, ऐसे माइनक्राफ्ट में कैसे हो गया, ये कोई जादुई सोड है मेरे को लग रहा है। वेल सारी की सारी जादुई सोड है एनीवेज। तो अभी गाइस एक काम करता है, यहाँ पे है लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाली सोड एंड दैट इज अ सेबर ऑफ लाइटनिंग मास्टर। तो गाइस इसके अंदर है भाई तीन पावर, देयर इज थंडर रश, इलेक्ट्रिक ड्रिल और लाइटनिंग बोल्ट। तो गाइस थंडर रश ट्राई करते हैं और इन विलेजेस के ऊपर ट्राई करते हैं। और भाई ये थंडर रश का क्या सीन है, ओके देयर वी गो गाइस थंडर रश। ओके अगर मैं इसको ऐसे पटक दूं, वेट अ मिनट गाइस, अरे ये देखो भाई अगर मैं पिगी के ऊपर ट्राई करूंगा, ओ माय गॉड, अरे भाई कैसी थंडर रश आती है यू गाइस। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना बॉलीवुड वाले सीन जो ये होते हैं, अरे मम्मा कहां से चक्रियां मार के भाई मैं इसको उड़ा रहा हूं यो, अरे दिस इज इनसेन, देखो भाई अरे देखो अरे मामा क्या खतरनाक है। और गाइस ये नेक्स्ट पावर क्या है, इलेक्ट्रिक ड्रिल। ओके तो इस इलेक्ट्रिक ड्रिल का क्या सीन है, मेरे को पता है इस गोलम के ऊपर ट्राई करने का इलेक्ट्रिक ड्रिल। ओके गोलम, ओ माय गॉड, यो 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 भाई इलेक्ट्रिक ड्रिल भाई मेरे को ट्राई नहीं करने का। अरे मामा एक मिनट, अरे गाइस यहां पे राइट क्लिक वाली पावर है, अरे ये तो भाई डिफॉल्ट पावर है इसके ऊपर। ओके तो गाइस लाइटनिंग बोल्ट एंड लाइटनिंग के साथ भाई मैं तेरे को उड़ा दिया भाई, आगे स्वाद। अरे गोलम भाव अब तू मेरे से बच नहीं पाएगा भाई, मैं तेरे नीचे ऐसे इतने ड्रिल कर दूंगा भाई तेरे को एक गड्ढे के अंदर बंद करके भाई मैं तेरे को उड़ाऊंगा। अरे मामा तू ऊपर, अरे मैं ही नीचे जा रहा हूँ भाई, तू ऊपर नहीं आ पाएगा। नो, यू कैनॉट कम डाउन। और मैं बिल्कुल तेरे को पता कैसे किसके साथ मारूंगा, आई विल किल यू विद द लाइटनिंग बोल्ट। अरे मामा ये लाइटनिंग बोल्ट ऐसे ही चलेगी एंड आजा आना भाई। तो गाइस ये है थंडर रश। ओके तो मतलब कि ये थंडर रश पता क्या करता है, इट गिव्स मी स्पीड इफेक्ट, पोशन इफेक्ट, जंप बूस्ट इफेक्ट, तो ये सब के सब मेरे को इफेक्ट दे देता है। और गाइस इसके बाद पता क्या होता है कि मेरे को कुछ टाइम के लिए जंप बूस्ट मिलता है और आई आल्सो गेट फायर रेजिस्टेंस। और गाइस अभी मेरे को लग रहा है कि समय आ चुका है कि हम जाएं और सीधा एंडर ड्रैगन को निपटाएं। यार मेरे को लग रहा है कि गाइस एंडर ड्रैगन मेरे सामने तो टिक नहीं पाएगा। अरे मामा कौन मार रहा है मेरे को, अरे नहीं आना मेरे को ऐसे मारना भाई, ये तेरी तासी की तासी। ओ भाई साहब, अरे भाई क्या खतरनाक पटकियां दे रहा हूं भाई मैं इनको, अरे क्या एनिमेशन है भाई। और गाइस यहां पे रॉबी भी आ, चलो भाई रॉबी भी ले लो, आई आल्सो नीड फूड। लेकिन अभी मेरे को पता है क्या कर रहा है, आई नीड आई ऑफेंडर भाई। अरे मेरे को आई ऑफेंडर कहां पे, ओ यस येरी भाई अब तू गया, अब ड्रैगन तू गया, मैं तेरे पास आ रहा हूं भाई, तू बेटा वेट कर, इससे पहले कि मेरे को सिल्वर फिश नीचे फेंक दे मैं यहां से निकल जाता हूं। एनीवेज गाइस अभी एक काम करते हैं, यहां पे अपनी फायर स्टाफ लेते हैं एंड लेट्स गो एंड डिस्ट्रॉय दीस क्रिस्टल्स। अरे मामा मैं इन क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आई एम एक्चुअली नॉट श्योर यार। अरे यार ये क्रिस्टल को तो तोड़ ही नहीं रहे भाई, अरे उधर तक ये पहुंच भी नहीं रहे मेरे को लग रहा है, मेरे को नहीं लगता गाइस ये क्रिस्टल को तोड़ पाएंगे। लेकिन आई कैन लिटरली ट्राई सेबर ऑफ फायर थंडर के साथ भाई मैं इसको, मैं एक्चुअली में पता क्या कर सकता हूं, अरे आई कैन लिटरली माइन, ओ यस, अरे भाई मैं माइन भी तो कर सकता हूं इसको, अरे माइन नहीं होगा, अरे यार बेडरॉक माइन नहीं होगा, नो। मेरे को लग रहा है गाइस अपनी टेक्निक आजमानी पड़ेगी, क्या मैं ये टेक्निक एंडरमैन के ऊपर, अरे भाई एंडरमैन तो चकनाचूर हो गया, बस इसको नीचे आने दो, एंडर ड्रैगन कम डाउन, यू वेट अ मिनट गाइस, अरे मैं इसके ऊपर लाइटनिंग फेंक सकता हूं एक्चुअली में, अरे मामा इसके ऊपर लाइटनिंग चलती है। अरे भाई 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 सबसे पहले तो इसके ऊपर ऐसे लाइटनिंग बोल्ट फेंकते हैं, ओ मामा इसके ऊपर लाइटनिंग बोल्ट आनी चाहिए एंड आई विल डू वन मोर थिंग। तो गाइस वो एक चीज है ये, अबे तेरी तैसी ऐसे मारूंगा मैं तेरे को, ओ भाई पड़ी। ओके देयर वी गो अबे यार कितनी पावर मैंने डाउन करी भाई इसकी मैंने, अरे हाफ से ज्यादा हो चुकी है। आ गया भाई नीचे आ गया गाइस, अब तो भाई मैं इसको जाने ही नहीं दूंगा, जो मर्सी हो जाए आई विल लिटरली किल हिम। और गाइस मुझे बस कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको ये स्वॉर्ड्स वगैरह कैसी लगी, यार मेरे को तो बहुत ही कूल लगी है। और अगर आपको ये डेटा पैक चाहिए तो गाइस अभी के अभी मेरे को सब्सक्राइब करो एंड देयर वी गो। तो गाइस वी हैव जस्ट किल्ड द एंडर ड्रैगन। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही यार, दिस वाज माइनक्राफ्ट। अबे मामा मार ले तू आखिर में, तो गाइस इसने तो भाई मेरे को आखिर में मार ही दिया। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।